नमस्कार, नेशन एट नाइन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं चार मिनट में 24 अहम खबरें। राफेल पर लोकसभा में आज रक्षा मंत्री और राहुल में जंग। निर्मला सीतारमण बोली, देश को जरूरत के बावजूद यूपीए ने लटकाई राफेल की डील। कहा, हमने 9% सस्ते दाम पर खरीदा। कांग्रेस पर देश को गुमराह करने का आरोप। राहुल गांधी बोले, अंबानी को ठेका मिलने पर सरकार से नहीं मिला जवाब। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑफसेट के लिए 2013 की यूपीए की पॉलिसी का पालन हुआ। राहुल गांधी के डीएनए पर तंज कसने वाले जेटली पर कांग्रेस अध्यक्ष का पलटवार। कहा, वित्त मंत्री ने मुझे गाली दी। बीजेपी बोली, ऐसे ही बोलते रहे हैं राहुल। लोकसभा में राफेल पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने फिर मारी आंख। अपने साथी नेताओं को किया इशारा। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया कटाक्ष। राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट से मिली नई तारीख। 10 जनवरी को 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। आगे की सुनवाई की रूपरेखा भी होगी तय। सुप्रीम कोर्ट से मिली नई तारीख पर नाराज साधु संत। विश्व हिंदू परिषद ने भी दोहराई अध्यादेश लाने की मांग। अब्दुल्ला बोले, राम सबके भगवान। राम मंदिर निर्माण को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में शिवसेना। मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंचकर फरवरी के अंतिम सप्ताह में उद्धव ठाकरे करेंगे आंदोलन का ऐलान। मणिपुर पहुंचकर गर्जे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, उत्तर पूर्व के साथ कांग्रेस ने किया सौतेला व्यवहार। हमने दिल्ली को आपके दरवाजे तक लाया। असम में बोले, एनआरसी में कोई भारतीय नहीं छूटेगा। चुनाव से पहले अमेठी में तेज हुई सियासी सुगबुगाहट। अमेठी पहुंचकर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को घेरा। कांग्रेस अध्यक्ष भी पहुंचे अपने संसदीय क्षेत्र। किसानों की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे राहुल। 9 जनवरी को जयपुर में रैली। सीएम गहलोत ने पायलट और मंत्रियों के साथ की तैयारियों पर चर्चा। आम आदमी पार्टी छोड़कर केजरीवाल को झटका देने वाले एचएस फुल्का का बड़ा बयान। कहा, न आंदोलन का पार्टी में तब्दील होना गलत फैसला। यूपी से बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी का विवादित बयान। कहा, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है उन्हें बम से उड़ा देना चाहिए। सेना के पास बहुत बम है। राजस्थान में सत्ता के नशे में चूर कांग्रेसी विधायक। राजगढ़ में जौहरी लाल मीणा ने दलित समाज को धमकाया तो ओसिया में दिव्या मदेरणा ने थाने में दिखाई दबंगई। चारा घोटाला केस में जेल में बंद लालू यादव की जमानत पर फैसला सुरक्षित। बीमारी का हवाला देकर झारखंड हाईकोर्ट में लगाई है बेल की अर्जी। पटना के पाटलिपुत्र सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर लालू की फैमिली में कलह। बड़े बेटे ने कहा, बहन ही लड़ेगी चुनाव। तेजस्वी ने किया खारिज। कहा, लालू लेंगे फैसला। किसानों के मुद्दे पर संसद के बाहर पंजाब कांग्रेस के सांसदों का प्रदर्शन। हाथ में आलू लेकर जताया विरोध। दिल्ली के मोतीनगर इलाके में दर्दनाक हादसा। घर में बने पंखा बनाने की फैक्ट्री में धमाका। छत गिरने से 7 लोगों की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में फॉग की वजह से हादसा। कार का निकला कचूमर। एक आदमी की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री को लेकर केरल में तनाव कायम। कल पत्थरबाजी में मारे गए कर्मा समिति के सदस्य का आज हुआ अंतिम संस्कार। अजमेर में एटीएस ने किया हवाला कारोबार का पर्दाफाश। करीब 62 लाख की नकदी के साथ एक गिरफ्तार। जयपुर के चांदपोल का निवासी है आरोपी। 12 में नाबालिग से दरिंदगी के दोषियों को 20-20 साल की कैद। पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। अदालत ने दोनों पर लगाया 25-25 हजार का जुर्माना। गुजरात के राजकोट में फिर एक लोक गायक पर पैसों की बारिश। एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लूटा दिए गए लाखों के नोट। यूपी के मुरादाबाद के जिला अस्पताल के अंदर का वीडियो वायरल। बच्चों के वार्ड में नर्सिंग स्टाफ ने मनाया नए साल का जश्न। सीएमओ दे रहे हैं सफाई। सिटी टेस्ट में दोहरे शतक से चूक गए चेतेश्वर पुजारा। ऋषभ पंत ने भी ठोका शतक। पहली बार में टीम इंडिया ने खड़ा किया 620 रनों का विशाल स्कोर।